आज हमने डिस्कस करनी है फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की पेरेंट थीम 2024 जो कि पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए सेम ही होगी। तो टोटल आपका केमिस्ट्री का जो पेपर आता है वो 85 मार्क्स का आता है और 15 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। तो 85 में से जो अभी लेटेस्ट बोर्ड की स्कीम के मुताबिक पासिंग मार्क्स उन्होंने 40 कर दिए, तो 40 मार्क्स पासिंग मार्क्स के लिए। तो टोटल आपके केमिस्ट्री के चैप्टर हैं 10-11 और हर चैप्टर के एनसीक्यूज यहाँ पे लिखे हुए हैं। चैप्टर 1 से आपके 2 एनसीक्यूज आने हैं, चैप्टर 2 से आपके 2 एनसीक्यूज, चैप्टर 3 से 2, चैप्टर 4 से 2, चैप्टर 5 से 2, चैप्टर 6 से 2। इसके अलावा जो रिमेनिंग चैप्टर है चैप्टर 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ से एक एक एनसीक्यूज आने हैं। तो आगे मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। टोटल शॉर्ट क्वेश्चन का जो पार्ट होगा वो 44 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर जो 2 इसमें आता है वो आएगा आपका चैप्टर नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 1 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 3 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर 8 से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका पोर्शन है वो 3 चैप्टर के अंदर से आना है और यहाँ से ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। तो टोटल आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 के 12 क्वेश्चन आएंगे और 12 में से जो आपने अटैम्प्ट करने होते हैं वो 8 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 2 टोटल 16 मार्क्स का बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जिन तीन चैप्टर से आना है ये पोर्शन है चैप्टर नंबर 4 से, चैप्टर नंबर 5 से, चैप्टर नंबर 9 से, चैप्टर नंबर 11 से। चैप्टर नंबर 4 जो है चैप्टर नंबर 4 से आने हैं 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 से भी 4 क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 से 2 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 से 2 क्वेश्चन। तो टोटल आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो पोर्शन है वहाँ से 12 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और 12 में से जो आपने अटैम्प्ट करने होंगे क्वेश्चन नंबर 8 होंगे। तो यहाँ पर टोटल क्वेश्चन नंबर 3 का जो पोर्शन है वो 16 मार्क्स का बनेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 तीन चैप्टर से आएगा जो रिमेनिंग चैप्टर रह गए हैं, चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 7 से, चैप्टर नंबर 10 से। चैप्टर नंबर 6 से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 7 से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 10 से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो ये चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है भी आप टोटल आपका क्वेश्चन मैंने कहा 12 मार्क्स का, 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, वहाँ से आपने अटैम्प्ट 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। वो करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन का जो आपका पार्ट है वहाँ से टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और 5 में से आपने अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन करने होंगे। वो आपकी मर्जी है आपने कौन सी ट्रेनिंग करनी है और कौन से क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका आएगा उसके 2 पार्ट्स होंगे, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 वो आएगा चैप्टर नंबर 1 से और वो होगा थ्योरी का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 4 से आएगा। तो पहली आपकी पेयरिंग बनेगी चैप्टर 1 और चैप्टर 4 की और ये क्वेश्चन नंबर 5 होगा। क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से जो क्वेश्चन आएगा वो भी 4 मार्क्स का होगा, चैप्टर नंबर 4 से जो क्वेश्चन आएगा वो भी 4 मार्क्स का होगा। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के टोटल जो मार्क्स होंगे वो होंगे 8। क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसकी पेयरिंग ऐसे है कि आपका जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा और चैप्टर नंबर 3 से इसका न्यूमेरिकल आएगा, थ्योरी पार्ट नहीं बल्कि न्यूमेरिकल आना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 5 से आना है। तो इन दोनों को मिला के आपके इसके भी 8 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर का न्यूमेरिकल होगा और 4 नंबर का ही थ्योरी का क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के भी आपके 2 पार्ट्स हैं, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो है चैप्टर नंबर 6 से आ रहा है, बी पार्ट चैप्टर नंबर 8 से, लेकिन चैप्टर नंबर 8 से है न्यूमेरिकल, थ्योरी पार्ट का नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के भी सेम वेटेज है, सेम क्वेश्चन मार्क्स हैं 8 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7 से है, चैप्टर नंबर 10 से है ए और बी पार्ट। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो चैप्टर नंबर 9 से है और चैप्टर नंबर 11 से है। तो आपके टोटल ये 5 क्वेश्चन होंगे लॉन्ग और 5 में से आपको अटैम्प्ट जो करने हैं क्वेश्चन 3 होंगे। टोटल इसके जो मार्क्स होंगे वो 24 मार्क्स होंगे। अब ये टोटल आपकी पेरेंट टीम है फर्स्ट ईयर की 2024 पंजाब बोर्ड के सामने। फिर आगे आपका पासिंग का होगा कि अगर कोई स्टूडेंट्स जो है जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं है, उन्होंने सिर्फ पास होना है, पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए एक शॉर्ट सा फार्मूला है जो अपना वो 1.5 महीना लगा के कवर कर सकते हैं। तो उनको ये करना होगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं, चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 6 के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यूज हैं वो एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेंगे और एमसीक्यूज चैप्टर 1 से लेके 6 तक 12 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, अगर वो बच्चे जिनकी तैयारी प्रॉपर नहीं है और पासिंग मार्क्स चाहते हैं, तो अगर वो चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 इन तीन चैप्टर के अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं तो उनके टोटल मार्क्स बनेंगे 24। चैप्टर 4 से भी आपके 3 क्वेश्चन हैं, चैप्टर 5 से भी 4 क्वेश्चन हैं और चैप्टर नंबर 6 से भी 4 क्वेश्चन हैं। तो टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और 24 मार्क्स का आपका पेपर बन जाएगा।
इसी तरह से ही रिलेटेड आपकी लॉन्ग क्वेश्चन की पेयरिंग होगी। अगर आप चैप्टर नंबर 4 का ही लॉन्ग प्रिपेयर कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 का ही लॉन्ग प्रिपेयर कर लेते हैं और चैप्टर नंबर 6 का ही लॉन्ग प्रिपेयर कर लेते हैं, तो इन तीन क्वेश्चन का ही आपका लॉन्ग का एक एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट एक एक पार्ट, तो इनके भी चार चार मार्क्स होंगे, तो 4, 8, 4, 12 टोटल आपके चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के भी 12 मार्क्स बन जाएंगे। इस तरह इन तीनों को मिला के 12 मार्क्स एमसीक्यूज, 24 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन और 12 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, इन तीनों को मिला के आपके टोटल 48 मार्क्स बन जाएंगे। 48 मार्क्स में भी आप इजीली 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं अगर आपने तीन चार चैप्टर की प्रॉपर अच्छी तरह से तैयारी कर ली। 48 मार्क्स आपके यहाँ से बनेंगे, लेकिन बोर्ड की जो लेटेस्ट स्पेलिंग स्कीम है, पेपर स्कीम है, उसके मुताबिक 40 मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए। तो ये है आपका पासिंग फार्मूला, जिन बच्चों की तैयारी प्रॉपर नहीं है और वो पासिंग मार्क्स चाहते हैं तो ये इस तरह से इस पैटर्न के मुताबिक तैयारी करके पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं।